जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये प्लान 30x40 के इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा प्लान। और आप जब फ्रंट से देखते हैं तो आपको ये प्लान दिखने वाला होता है, और अगर आप इसका टॉप व्यू देखते हैं तो ये दिखने वाला होता है। तो ये एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर 30x40 का एक मुझे प्लान डिजाइन करके दीजिए, सॉरी फॉर मैंने बहुत दिनों बाद ही वीडियो क्रिएट किया है कि मुझे समय नहीं मिल पाया किसी कारणवश। तो आज मैं 30x40 का प्लान डिस्कस करूंगा, इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। तो हर हमेशा की तरह मैं सबसे पहले इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंस में आपको ये कैसा दिखता है। तो जैसे कि मैं ट्रांसपेरेंसी करता हूं तो आप देखिए ट्रांसपेरेंट में आपको अंदर से बाहर तक पूरा डिजाइन इसका दिख जाता है ट्रांसपेरेंट में, और भी बेहतरीन मॉडल लगता है। एरिया काफी ज्यादा है, 1200 स्क्वायर फीट में पूरा बना डिजाइन हुआ है 30x40। तो ये कैसे आपको आप मैं बताने वाला हूं, विद कार पार्किंग है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, 30x40 हाउस प्लान विद कार पार्किंग। तो चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसका मॉडिफिकेशन हम इसका ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर देते हैं तो आपको फ्रंट से ऐसा दिखने वाला हो। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा, अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको लगातार लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। आपका जो भी हाउस डिजाइन हो, जिससे रिलेटेड हो, उससे आप यहाँ पे बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको घर के नक्शे मिल जाते हैं। इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ दोस्तों इस न्यू टेक नाम का इसका एक फेसबुक पेज भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप फॉलो करें, क्योंकि यहां पर भी मैं लगातार वीडियो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के डालता रहता हूं हाउस प्लान से रिलेटेड, जिसको आप देखकर सुटेबल एग्जांपल बनवा सकते हैं। तो सर पूरा प्लान डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलूंगा इसके ग्राउंड फ्लोर पर, और जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हो तो देखिए ये आपको ग्राउंड फ्लोर दिखने वाला है। फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट से ऐसा दिखेगा, विद कार पार्किंग है, और आपको ये पूरा टॉप व्यू मैं दिखा दूं, इतने रूम और बेडरूम किसने बना, मैं चलो इसको डिस्कस कर लेता हूं। तो जैसे आप फ्रंट से ये क्या है, मेन डोर है यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ी पार्किंग बना दी है, थोड़ा ग्राउंड टाइप का है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, खेल सकते हैं आपके चिल्ड्रन से या कुछ भी। तो यहाँ पर जैसे आते हैं, ये आपका मेन डोर यहाँ आता है, इसके बाद आपका ये स्टेयर्स आपका एल साइज का है, यहाँ से निकल जाता है, ये आपकी कार पार्किंग की जगह है। तो ये पूरा, और इसके बाद आप जैसे ये एक आपको बेडरूम मिल जाता है, इसका मेन डोर जो मैंने दिया है, इस बेडरूम का बाहर से भी एक विंडो दिया वेंटिलेशन के लिए, और जैसे आप यहाँ से क्लिक आ जाते हैं अंदर तो आप देखिएगा ऐसे बेडरूम के लिए यहाँ से भी एक डोर और विंडो मैंने दे रखा है। और बाद में लास्ट में बात करें तो यहाँ पे आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं बड़े बड़े साइज के। इनका अगर आपको उसमें साइज जानना है ना कितना साइज है, तो आप स्मॉल हाउस प्लान की वेबसाइट पर आएं, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट साइज मिलेगा, कितने बाई कितने के रूम बना रखे हैं, मैंने पूरा हर एक कोना कोना डिफाइन किया है कि कितने बाई कितने का एरिया आपका सुटेबल बचता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम smallhouseplan.com, आप इसको जरूर विजिट करें, यहाँ पर आपको और भी चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी, और आपको यहाँ पर पूरा डायमेंशन के साथ डिफाइन किया गया है। तो ये आपका हो गया दो बेडरूम, ये एक बेडरूम, और आप अगर चाहें तो ये वाला एरिया के आप स्टोर रूम बना सकते हैं, और आपका ये हो गया बाथरूम, और ये हो गया टॉयलेट आपका, और पूरा डिफाइन कर सकते हो। ये आपका स्टेयर्स, तो ये कार पार्किंग के साथ डिजाइन किया हुआ है इसका फर्स्ट फ्लोर मैंने। अब हम आपको ले चलते हैं इसके सेकेंड फर्स्ट फ्लोर पे, सॉरी ग्राउंड फ्लोर भी डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे आप इसका फर्स्ट फ्लोर देखते हैं, देखिएगा ये फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, और आप स्टेयर से जैसे ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर चार बेडरूम मिल जाते हैं, दो बड़े बड़े जैसे सेम टू सेम नीचे था। और ये बेडरूम, ये मैंने एक बेहतरीन से गेस्ट बेडरूम बना रखा ऊपर, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, अपने जो भी गेस्ट आए या जो भी आप यहाँ पर ठहरा सकते हैं, डाइनिंग रूम टाइप का है आपका, जो भी आप चाहें। और आपको बहुत सारा यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड भी, क्योंकि जगह ज्यादा होने के कारण यहाँ पर आपको बढ़िया खुला एरिया मिलता है। ये आपके तीन बेडरूम है आप देख सकते हैं, और मैंने ऊपर भी इस वाले फ्लोर पर भी डिजाइन किया है आपका लेटरिन बाथरूम एंड किचन, ऑल थिंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप इससे अगर एक फ्लोर बनवाकर आप रेंट पर भी देना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि सेपरेट टॉयलेट एंड बाथरूम आपको दोनों फ्लोर पर मिल जाता है। और लगभग मैंने ये 3 फीट का वो बालकनी निकाल दिया है, और आपका ये रेलिंग लगा दिया है, और ये मैंने डिजाइनिंग थोड़ा दोस्तों ग्लासेस कर दिया है, जिससे आप कभी भी यहाँ से आप देख सकें, आप जो एक साइड से दिखता है वो वाले ग्लासेस लगवा सकते हैं, ये डिजाइनिंग के लिए मैंने पूरा क्रिएट किया है। और सभी के लिए मैंने बहुत ही ध्यान दिया है वेंटिलेशन का, क्योंकि आपको प्रॉपर यहाँ पे हवा जाती रहे आती रहे, तो इसलिए पूरा डिजाइन किया है मैंने, बहुत ही बेहतरीन प्लान दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको जरूर बनवाएं,
और मैं डिस्कस करूंगा इसका लास्ट फ्लोर जिसका वो कहेंगे सेकेंड। मैंने यहाँ पर कुछ भी डिजाइन नहीं किया, बस सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पर ये जो स्टेयर्स है इसको ढक दिया है और पूरा आपका फील्ड दिखने वाला होता है। तो ये फ्रंट से है, ये मैंने दोस्तों जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपको मैंने डिजाइनिंग दिया है, और आपको यहाँ पे चाहे तो मेन डोर पूरा क्लोज भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा प्लान था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपका कोई भी मॉडल है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको डिजाइन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये आपको मॉडल कैसा लगा मुझे कमेंट करें, और दोस्तों लाइक जरूर किया करें वीडियो को, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल दे सकूं। प्लीज को लाइक कर दें और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें दोस्तों। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो प्लीज दूसरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, मिलते हैं अगले।